बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम। नाज़रीन, जब से तालिबान अफगान तालिबान ने फैसला किया है गुज़िश्ता रोज़ के ख़वातीन की तालीम पे मुकम्मल पाबंदी लगाई गई है, तो पूरी दुनिया में एक बहस छिड़ी है इस फैसले ने। और ख़्वा वो इस्लामी दुनिया है, ख़्वा वो मग़रबी दुनिया है, ख़्वा वो मशरिक जो भी है, सब इस फैसले को जो है इस पर तनकीद कर रहे हैं और इनको इंसानी हकूक़ और जो एक अजीब सा फैसला है कि किस तरह एक कौम एक हकूमत जो है इंसानों के एक तबके के साथ जो है इस तरह सलूक करके उनको बिल्कुल तालीम से जो है महरूम रखा जाता है। असल वजूहात क्या है, तालिबान ने यह फैसला क्यों किया, ये एक सवाल है। क्योंकि जब से ये फैसला हुआ है तो तालिबान के जो वजीर हैं बराए हायर एजुकेशन जिसे कहते हैं आला तहसीलात निदा मोहम्मद नदीम साहब, उसने जब ये फैसला सुनाया जिस दिन, तो उस दिन ऐसा लग रहा था कि ये फैसला खालिस जो है वो दीनी और शरी बुनियाद पर किया गया है। और उसी दिन उसका जो जो बयान था सोशल मीडिया पे, उसमें उसने एक हदीस को कोट किया और उस हदीस में जो हदीस था वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मंसूब किया गया और कहा गया कि ख़वातीन के लिए सर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ के ख़वातीन के लिए किताब पढ़ना या फॉर्मल असरी तालीम हासिल करना जो है ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है माशरे में उनकी नज़र में जो है कि ऐसा जिसमें मतलब ये कि फहाशी जो कहते हैं उसके ज़ुमरे में वो आती है, तो इसलिए इसे बेहतर होगा कि आप सिर्फ उनको घर गृहस्थी का काम और ज़्यादा से ज़्यादा सूरत नूर और अपने शोहर की खिदमत करना होता है। इसके दूसरे दिन बाद निदा साहब ने एक और ट्वीट किया, बल्कि दो ट्वीट किए, और इसमें पूरे इस्लामी दुनिया और अफ़गानिस्तान के उलमा और कहा गया कि जो बराए नाम उलमा हैं इस्लाम के और जो अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हिब्बतुल्लाह के जो फैसला है उसकी जो मुखालफत करते हैं, उन सब को उसने कहा कि मैं दावत देता हूँ कि वो आए और इस शरी मसले पे हमारे साथ जो है बहस करे कि कहाँ पे लिखा है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस से या कुरान पाक की तालीमात से, उनके आयात से। उनने साबित कर दिया कि ये जो ख़वातीन की तालीम की फर्जियत जो है ये साबित कर दी, तो कहते फिर हम वो करें, कहते ये हो ही नहीं सकता। और उसके बाद उसने कहा, उसने कुछ ममालिक के नाम भी लिए, उसने कहा कि जो अफगान तालिबान हैं उनको अल्लाह ने ताकत दी है और बज़ोर जो है वो हकूमत में आए हैं और वो खालिसतन शरीयत का निफास करेंगे और जो शरीयत में है वही। और उसने यही लफ्ज़ कहे हैं कि शरीयत में ख़वातीन के लिए जितना है उससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते, और साथ ही भी कहा कि इस्लाम अफ़गानिस्तान में जो होगा वो खालिस इस्लाम होगा, खालिस शरीयत होगा, ना हम सऊदी अरब की शरीयत को नाफिस करते हैं और ना तुर्किया के। इन दो ममालिक का खसूसी तौर पर नाम लिया और साथ कहा कि ना दूसरों के। अभी जब तनकीद बहुत ज़्यादा बढ़ गई हर जगह से, यूनाइटेड नेशंस, मग़रबी दुनिया, इस्लामी दुनिया, बल्कि ख़ुद उलमा ने उनके जो अहादीस जो थे उनको रिजेक्ट किया और कहा गया कि ये मुस्तनद अहादीस नहीं है, क्योंकि उस पर एक बहस छिड़ी। तो ये जो शेखुल हदीस है, मतलब ये कि अभी हदीस का जो है ना आलिम है, उसने फिर एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि जी असल वजूहात उसने बताया कि हमने ये फैसला क्यों किया। फैसला उसने किया कि हमारे यहाँ मखलूत निज़ाम तालीम यानि ख़वातीन और मर्द व ख़वातीन एक जगह पर पढ़ते हैं, इसी वजह से ये जो है इस्लाम के ख़िलाफ़ है और अफगान कल्चर के ख़िलाफ़ है। फिर उसने कहा कि निसाब में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, फिर उन्होंने बताया कि जी पर्दे का निज़ाम नहीं है उस यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजों में। साथ ये भी कहा कि ख़वातीन जब अपने घर से दूर जाती है बग़ैर महरम के जाती है, मतलब है कि वही जो घिसी पिटी होती है उसको सामने ले आए। लेकिन असल वजह क्या है, मैं समझता हूँ कि असल वजह कुछ और है। असल वजह ना ये है कि अफगान कल्चर, ना इस्लाम का, ना शरीयत का, असल वजह यह है कि तालिबान इस वक्त मुकम्मल तौर पर फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं
और वो दुनिया जो है उसे तकरीबन उनका 1 साल 6 महीने तकरीबन होने वाले हैं, तो इस दौरान उनको काफ़ी जो है दुनिया ने इग्नोर किया है और दुनिया ने अभी तक उनके बारे में कोई फैसला नहीं किया उनको तस्लीम करने के हवाले से। फिर इसमें जो रीजनल कंट्रीज है, फिर उनके जो हमसाए हैं, सब ने अभी तक फैसला होल्ड किया है और उनके साथ किसी भी किस्म के ताल्लुकात जो है बहाल करने में अभी तक जो है कोई पेशरफ नहीं हुई है। दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो इंटरनली अफगानिस्तान के मसाइल, उनके जो स्टक अप मनी है वो भी इंटरनेशनल बैंकों में पड़ी हुई है, वो भी तालिबान को नहीं मिल रही है। हालात उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तो अब इंटरनेशनल दुनिया को ये कहते हैं कि आप अगर हमें नहीं मानते तो फिर हमें ना सुनाए कि हमने क्या करना है, फिर हम अपने मर्जी के मुताबिक चलेंगे। और ये फ्रस्ट्रेशन जो है देखे उनकी लीडरशिप पे तकरीबन मेजॉरिटी उनकी जो हुकूमत में है उन पे पाबंदी है, दूसरे ममालिक जान यूएन का जो 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 ब्लैक लिस्ट जिसे कहते हैं उसमें उनके नाम है। तो इनकी वजह से बुनियादी वजह जो है वो तालिबान का जो फ्रस्ट्रेशन है। फिर उनकी जो एक ग्रुप है काबुल में, दूसरा है कंदहार में, तो कंदहार वाले जो है वो ज़्यादातर एल्डरली वो लोग हैं जिनकी उम्र काफ़ी एडवांस स्टेज में है और वो जो तालिबान 0.1 जो 1.0 जो था उसकी नुमाइंदगी करते हैं, और जो अफगानिस्तान काबुल में है वो ज़्यादातर यंग और जो नए शामिल हुए गुज़िश्ता 20 सालों में वो है। तो एक साइड पे तो उनकी इंटरनल डिफरेंसेस चल रही है क्योंकि काबुल में जो टोला इस वक्त हुक्मरान है तालिबान का, जो हुकूमत चला रही है, वो खबरें यही आ रही है कि उनमें से कोई भी इस फेवर में नहीं है कि ख्वातीन की तालीम पर पाबंदी लगाए। लेकिन जो टोला जो सीनियर लीडरशिप उनकी कंदहार में बैठी हुई है वो जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, अफगान कल्चर में ख्वातीन को, इस तरह ट्राइबल कल्चर, ख्वातीन के लिए तालीम, ख्वातीन के लिए घर से बाहर निकलना, वो जो अक्सर पश्तों में हम कहते हैं कि औरत के लिए या घर है या कब्र, मतलब है या कोर दे या गोर दे, उसी पॉलिसी पे वो चल रहे हैं। लेकिन बुनियादी वजह यह है मैं समझता हूँ कि अगर दुनिया ने तालिबान के साथ इंगेज किया, उनको फैसिलिटेट किया, उनको फाइनेंशियली मजबूत किया, उनके लिए जो है मसाइल कम किए, तो मैं समझता हूँ फिर इस किस्म के फ्लिमजी डिसीजन जो है वो नहीं लेंगे। अभी वो देख रहे हैं कि दुनिया हसास है, इज़ वेरी मच सेंसिटिव ऑन वेमेन इशू, और इसी वजह से वो ज़्यादा जब इरिटेट भी करते हैं दुनिया को तो वो ख़वातीन के मसले पे वो दुनिया को इरिटेट कर रही हैं।